नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक आते ही उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। दरअसल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गढ़वाल और कुमाऊं में पहाड़ी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और ऊपरी क्षेत्रों में तेज बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसलिए श्रीनगर जल विद्युत परियोजना झील से पानी छोड़ा जा रहा है। मूसलाधार बारिश से गोरी और काली नदी उफान पर है, जबकि मुनस्यारी जौलजीबी सड़क में बंगापनी के पास गोरी नदी सड़क तक पहुंच गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ हाईवे बाधित है, जिस कारण गांव से जुड़ने वाले कई सड़कों का संपर्क भी कट गया है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के आने से मौसम पल पल बदल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है, तो वहीं पर्वतीय जनपदों में भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। तो वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो दून के कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता साक्षी सहनी ने। में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, सुबह से ही भारी बारिश का दौर जारी है। अगर बात करें तो मौसम विभाग ने भी पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत जैसे जिलों में शुक्रवार से ही भारी बारिश की चेतावनी जो है दे दी थी। और वहीं अगर चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर जैसे जिलों की बात करें तो वहां पे मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग ने पहले ही दे दी थी। यानी कह सकते हैं अधिकतम जो जिले हैं उसमें रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। और साथ में ये भी इल्तिजा जो है किसी से करी गई है कि छोटी नदी नालों के समीप जो लोग रहते हैं वो ज्यादा सावधानी बरतें। वहीं जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने घर पर ही रहें, क्योंकि आकाशीय बिजली और लैंडस्लाइड होने की संभावना जो है बढ़ जाती है, जिसके मद्देनजर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और जिस तरीके से तापमान में भी जो है अब गिरावट दर्ज की जा सकती है, हालांकि बहुत से लोग जो है इस बारिश के मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आते हैं। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में साक्षी सहनी, न्यूज इंडिया, देहरादून। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश की चेतावनी के नैनीताल में देर रात को बारिश हो रही है। सुबह से ही नैनीताल को कोहरे ने पूरी तरह ढक लिया है। तेज हवाओं और बारिश के चलते ठंड ने दस्तक दे दी है। कोहरे और बारिश के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं नैनीताल पहुंचे पर्यटक झमाझम बारिश में नौकायन का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि लॉकडाउन में काफी समय तक घर में रहने के बाद अब आउटिंग के लिए बाहर निकले हैं और तराई में पड़ रही भीषण गर्मी से उन्हें यहां आकर काफी ज्यादा राहत मिली है। नैनीताल से देर रात से हो रही बारिश से जहां बरसाती नाले उफान पर है, तो वहीं लगातार हो रही बारिश नैनी झील के लिए वरदान साबित हुई है। लॉकडाउन में घर पे रहे थे, बहुत टाइम तक घर से काम कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से कोई लॉकडाउन खुला है। ई पास वगैरह सब लेके अपने नाशा सब कुछ लेके आए हैं यहाँ पे, और बहुत कम भीड़ है जैसे जनरली होती है, और बारिश का आनंद हो रहा है और आप देख ही रहे हैं लेक का भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ऐसा महसूस कर रहे हैं ठंड से काफ़ी राहत मिली है हमें, दिल्ली में गर्मी है काफ़ी जो है उत्पीड़न हो रही थी उससे हमें, अभी यहाँ पे आकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोटिंग का आनंद काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी धुंध भी है और जो हमारे बोटिंग वाले भाई भी हैं उन्होंने काफ़ी मज़ा कराया और काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा है। तो इसलिए पर्यटकों को हम कहना चाहेंगे कि भैया एक अपना छाता ज़रूर लाएं और एक जैकेट लेके आएँ, मौसम बहुत ठंडा है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके सत्येंद्र पुंडीर। सत्येंद्र, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कोविड को, जिस तरीके से अब बारिश का जो मौसम है वो लगातार बना हुआ है, झमाझम बारिश हो रही है, मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? तो जी देखिए, अगर मैं बारिश की बात करूँ तो 17 घंटे से अधिक अभी तक लगातार यहाँ पे चमोली जिले की बात करें तो मूसलाधार बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते जो यहाँ के जो सड़क मार्ग हैं, साथ ही जो गांव को जोड़ने वाले जो लिंक जो सड़कें हैं वो उनमें मलमा आने से कई सड़कें बंद हो चुकी है, और बद्रीनाथ हाईवे भी 7 से 8 जगहों पे
टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं जिससे तो गाड़ियां हैं वो एक ही जगह पे रुकी हुई है और बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और जो अगर नदियों की बात करें, पिंडर नदी और नालकनंदा नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और अभी इस बारिश ने 2013 में जो आपदा आई थी उसकी याद फिर से ताजा कर दिया और लोग जो नदी किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो उनको डर का माहौल पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि सत्येंद्र जो लोग नदी किनारे आसपास रहते हैं उनके अंदर डर का माहौल बन गया है, क्या उनको वहां से हटा दिया गया है? जी देखिए, फिलहाल प्रशासन द्वारा यहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया है कि जो लोग नदी किनारे हैं फिलहाल नदी किनारे जो वहाँ से उन सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं, क्योंकि जो नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिंडर नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर गया। उसके बाद अगर अलकनंदा नदी की बात करें तो नंदप्रयाग में जहाँ से नदी वहाँ पे जो अवश्य जो मकान है वहाँ पे लोगों ने उनको छोड़ रखा है, फिलहाल लोग वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं और जो लोग यहाँ पे हैं वो भी सुरक्षित स्थानों को जाना शुरू कर गए हैं। जी सत्येंद्र, ये जो बारिश हो रही है, मौसम में जो बदलाव हो रहा है, किसानों के लिए कितने फायदेमंद है? देखिए किसानों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने लोगों को यहाँ पे डर लोगों को 2013 की जो आपदा है उसकी याद दिला दी है। जहाँ किसानों के लिए फायदा है तो वहीं पे कई चीजें ऐसी हैं जिसके चलते यहाँ पे सड़कें टूट चुकी हैं और कई ऐसे किसान हैं जिनकी जो खेत हैं वो बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में बारिश आने के चलते यहाँ पे जो कई किसानों के जो खेत हैं वो बह चुके हैं। ये सत्येंद्र देखिए, उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक तो दे ही दी है, लेकिन प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? देखिए अक्सर अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पे जो तैयारियां होती हैं उस तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑल वेदर जो सड़क थी वो ऑल वेदर सड़क का जो कार्य था वो दुर्वेज पर था और जहाँ पे सड़कें चौड़ी हुई है लेकिन फिर ऊपर से जो मलबा है वो टूट के सड़कों में फिर गिरा हुआ है, क्योंकि ऐसे में कई चीजें ऐसी होती हैं जिसपे तैयारियों का कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी जो सत्येंद्र, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि सड़कें टूटी हुई है नदी उफान पर, कहने का कह सकते हैं कि प्रशासन की जो यहाँ पर अव्यवस्थाएं है वो यहाँ होती हुई नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिये सत्येंद्र, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके ऋषिकेश से संवाददाता महेश पवार। महेश, ऋषिकेश में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर? जी ऋचा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, ऋषिकेश में भी सुबह काफी मूसलाधार बारिश हुई है, उसके बाद से जो हम गंगा की बात करें, गंगा का तो जलस्तर बढ़ा ही है, उसके साथ साथ जो उसकी सहायक नदियां हैं जिस तरह से भीन नदी कहें, ऋषिकेश की भीन नदी है और सौंग नदी है, इनका भी जलस्तर कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो खतरा जो है वो जो नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये खतरे की अभी अंदेशा उनको होने लगा है कि कहीं ना कहीं जो नदी का पानी है वो गांव में घुस सकता है और तबाही मचा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि जब जब सौंग नदी या बिन नदी का पानी बढ़ा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसका काफी असर देखने को मिला है। बात सुरक्षा की करें तो लगातार यहाँ पे प्रशासन द्वारा जो है नजरें बनाई गई है कि किसी भी तरह की यहाँ पे ऐसी कोई अनहोनी ना हो सके, इसके लिए लगातार पुलिस हो या SDRF हो या तहसील प्रशासन हो, सब जो है यहाँ पे मुस्तैद हैं। बात रायवाला की करें तो रायवाला में एक सौंग नदी है जो अक्सर जो है उफान पे आती है बरसात के टाइम पे और ये भारी तबाही मचाती है, और पिछले 2 या 3 साल पहले भी इसी तरह का एक मंजर यहाँ पे देखा गया था, करीबन 15 से 16 दिन तक यहाँ पे जो है लोगों को रेस्क्यू करने का जो है अभियान प्रशासन की टीम द्वारा चलाया गया था। अभी फिलहाल सुरक्षा की बात करें, इस गांव में जो है वो बाढ़ सुरक्षा के कार्य होने थे लेकिन वो अभी समय पर नहीं हो पाए हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए भी अब चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पिथौरागढ़ से है प्रदीप महारा। प्रदीप, पिथौरागढ़ में क्या कुछ हालात बने हुए हैं मौसम को लेकर, किस तरीके से वहां पर क्या अभी भी बारिश हो रही है? और सबसे बड़ी बात यह कि कहा जा रहा है कि टनकपुर और पिथौरागढ़ जो हाईवे उसको बंद कर दिया गया है, तो क्या कुछ स्थिति है वहां पर अभी? लगातार पिछले 3 दिनों से यहाँ पर बारिश जारी है। पिथौरागढ़ मुख्यालय को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पिथौरागढ़ की लाइफ लाइन पिथौरागढ़ चंपावत मोटर मार्ग आज 3 दिन से लगातार बंद चल रही है, जिससे पिथौरागढ़ मुख्यालय का पूरे देश में से संपर्क कटा हुआ है। पूरे जिले में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। जिले की कई सड़कें अभी बंद चल रही है। जिले की
आपको मैं बताऊँ धारचूला की या मुंशियारी की कई सड़कें भी बंद चल रही, लगातार प्रशासन के द्वारा उनको खोलने की बात भी कही जा रही है। वहीं आपको जल से भी दुमची मोटर मार्ग बंद है, मुंशियारी मोटर मार्ग बंद है, पांगला मोटर मार्ग बंद है, गुंजी मोटर मार्ग बंद है, लगातार कई मार्ग बंद चल रहे हैं और फिर जनजीवन पूरे जिले में प्रभावित हो चुका है। जी रिचा बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से प्रदीप आपने बताया कि कई हाईवे तो बंद हो गए हैं, कई रास्ते बंद हो गए हैं मौसम की वजह से, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जो पर्यटक वहाँ पर जो घूमने के लिए आते हैं फिलहाल, क्या वो खुश हैं? सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सड़कें खराब हो रही है, तो क्या वहाँ पर किसी के फंसे उनको आशंका जताई जा रही है? जी मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से पहले कोरोना कर्फ्यू के कारण पर्यटन भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था, कुछ बहुत अभी पर्यटक यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह मार्ग बंद हो रहे हैं, कई स्थानों पर जो है पर्यटक भी फंसे होने की सूचना आ रही है, अत्यधिक दूरी तय करके पर्यटकों को जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय को भी यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। जी रिचा बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो लोग घूमने आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब प्रदीप, किसानों के लिए कितनी बारिश कितनी लाभकारी है या फिर हानिकारक है? जी ऋषभ, आपको बताऊँ, कहने गए पहाड़ों में जो आप रुपाई की जो फसल होती है, धान की फसल, उसकी खेती का समय आ गया है, खासतौर के लिए बारिश तो कहने गए उनके लिए अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बारिश की वजह से जो किसान है वो भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ जितने भी जो हाईवेज हैं उन वो भी बंद हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रदीप और बातचीत करने के लिए नैनीताल से है कांता पाल। कांता पाल, नैनीताल में क्या कुछ हालात बने हुए हैं मौसम को लेकर? जी बिल्कुल ऋषा, मैं आपको बता दूं, देर रात से ही सरोवर नदी नैनीताल में जो है भारी बारिश यहाँ पे हो रही है, तेज हवाओं के साथ यहाँ पे बारिश चल रही है, जिसको लेकर यहाँ जो है एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं जब हमने आज कुछ नैनीताल घूमने आए पर्यटकों से बात करी तो उनका कहना है कि तराई में तपती गर्मी जो पड़ रही थी उससे हमें यहाँ आके राहत मिली है, और वो जो यहाँ पर्यटक नैनीताल पहुंचे हैं ऋषा, मैं आपको बता दूं, वो इस सुहावने मौसम का खूब यहाँ पे लुत्फ उठा रहे हैं और बारिश का मजा ले रहे हैं। जी ऋषा। कांतापाल, अगर आपने किसी पर्यटक से बात करने की कोशिश की हो तो क्या उन्हें कोई दिक्कत हुई रास्ते में आने जाने में? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बारिश की वजह से कई ऐसी जो मार्ग है वो बंद पड़े हुए, कई सड़कें भी टूट चुकी है। जी ऋषा बिल्कुल, जहाँ तक अगर सड़कों की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ जिला अधिकारी के दिशा निर्देश पर जो टीमें हैं वो गठित की गई हैं, क्योंकि कहीं भी अगर सड़क बंद होती हो तो उसे तुरंत यहाँ पे खोल दिया जा रहा है। पर्यटकों से जब हमने इस बाबत जानना चाहा कि उन्हें नैनीताल पहुँचने में कितनी दिक्कतें हुई, तो उन पर्यटकों का साफ तौर पर यहाँ पे कहना था कि वो आसानी से नैनीताल पहुँच गए और किसी प्रकार की उन्हें यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं हुई। इसके लिए जिलाधिकारी और जो यहाँ के जिला प्रशासन डीएम एसडीएम जो यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सड़कें कहीं भी बंद ना हो, और इस किसी भी प्रकार की यहाँ जो सैलानी आ रहे हैं या स्थानीय लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो होती हैं बरसात के मौसम में उनका सामना ना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है और 2400 घंटे यहाँ पे जो जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं लोक निर्माण विभाग को कि 2400 घंटे जो यहाँ पे संवेदनशील इलाके जो भी हैं वहाँ पे निगरानी रखेंगे, तो उसको लेकर अभी तक कोई ऐसी यहाँ पे घटना सामने नहीं आई कि कहीं सड़कें बंद हो या कहीं पे किसी को दिक्कतें आई हो। जी रिचा। कांतापाल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है इसकी वजह से नदियां उफान पर है, नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कांतापाल, जो लोग नदी किनारे के आसपास रहते हैं क्या उनको वहां से हटाकर किसी और जगह पहुंचा दिया गया है? जी बिल्कुल ऋषा, जहाँ तक बात की जाए कि जो नदी तट के लोग रहते हैं उन्हें जिलाधिकारी ने मानसून आने से पहले ही वहाँ पे जो उप जिलाधिकारी थे उन्हें सख्त निर्देश दिए थे कि जितने भी नदी तट क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया जाए, जिसको लेकर प्रशासन ने उन्हें मानसून आने से पहले ही सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पे पहुंचा दिया गया है, और जो भी संवेदनशील इलाके हैं उनके वहाँ पे सभी घर खाली करा दिए गए हैं। जी ऋषा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कांतापाल, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश के वजह से उत्तराखंड में कई हाईवेज बंद हो गए हैं, यहाँ तक कि नेशनल हाईवे बंद हो गई है, इसको लेकर भी लगातार जो सरकार है सतर्क है और उन्होंने सभी को भी अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग ने भी कहा है कि यह बारिश अभी लगातार जारी रहेगी। उत्तराखंड सरकार 1 जुलाई से चारधाम यात्रा चरणबद्ध ढंग से शुरू करने पर विचार कर रही है। दरअसल सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई, जिसमें
उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयारियों को अमली जमा पहनाने पर मंथन हुआ। बैठक में ऊर्जा, पेयजल, गृह, दूरसंचार, चिकित्सा, लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के अफसरों ने अपनी अभी तक की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी दी। कोविड-19 महामारी के चलते सभी तकरीबन सभी विभाग अपनी तैयारियों पूरी कर चुके हैं, तो वहीं पर और सरकार 22 जून से यात्रा शुरू करने की स्थिति में नहीं है। मुख्य सचिव ने उन्हें 20 जून तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने की संभावना पर गहराई से विचार। नैनीताल के बेतालघाट ग्राम मलिया गांव सोन गांव के अधिकांश बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए रोजाना पहाड़ की करीब 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में जाना पड़ रहा है। वजह, गांव में मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम। इन बच्चों में अब तो वकायदा गोली बनाकर अच्छे नेटवर्क वाले स्थान चिन्हित कर लिए हैं। रोजाना बच्चे सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच यहाँ पहुँचते हैं। बेतालघाट के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 3rd की छात्रा का कहना है कि नेटवर्क की समस्या से उनकी पढ़ाई चौपट हो रही है। बरसात हो तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिल पाता, तो वहीं कक्षा 1 की छात्रा को रोजाना 2 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना भारी पड़ता है। स्कूल खुले नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई करना मजबूरी है। हमारे क्षेत्र में हलसू कोरड़ में BSNL का टावर लगा हुआ है, जो कि जिस पर कि इंटरनेट वगैरह नहीं चलता है, और कई मरतबा तो यहाँ बारिश वगैरह होने पर वो टावर वगैरह बंद रहता है। उसकी सूचना हम उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित करते हैं, उसके बाद 2-3 दिन के बाद वह सुचारू रूप से फ़ोन कॉलिंग के लिए चालू होता है। और इंटरनेट की व्यवस्थाओं के लिए हमने कई बार अपने क्षेत्रीय सांसद माननीय अजय भट्ट जी को, क्षेत्रीय विधायक माननीय संजीव आर्या जी को, वो कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसकी लिखित व मौखिक सूचना दी है कि इसमें इंटरनेट व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया जाए, पर आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। हमारे क्षेत्र में इंटरनेट की काफ़ी समस्या है, जिसके लिए हमने अपने स्थानीय सांसद माननीय अजय भट्ट जी को, स्थानीय विधायक माननीय संजीव आर्य जी को समय समय पर लिखित तथा मौखिक समस्याओं से अवगत कराया है, परंतु आज तक इसका निराकरण नहीं हो पाया। हमारे पाल्य को इंटरनेट की क्लास वगैरह ऑनलाइन कक्षा के लिए दूर दराज पहाड़ियों में ऊपर जाना पड़ता है, और सरकार की मुहिम जो वैक्सीनेशन के लिए जो चल रही है वह हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गांव में इंटरनेट ना पकड़ने के कारण हम एक ऊंची पहाड़ी पर ऑनलाइन क्लास पढ़ने जाते हैं। मेरा नाम उड़ीसा बोहरा है, मैं क्लास 1st में पढ़ती हूँ। हमारे गांव में नेट नहीं चलने के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो कोविड की तीसरी लहर और डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य ने प्लान तैयार कर लिया है। जिला मलेरिया अधिकारी गुरनाम सिंह ने प्लान की तैयारियों की समीक्षा भी शुरू कर दी है, और इसी के तहत जिला मलेरिया अधिकारी ने लक्सर में स्वास्थ्य कर्मियों और आशाओं की बैठक ली। बैठक में गुरनाम सिंह ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर और डेंगू बुखार का बड़ा खतरा सिर पर है, इसलिए हमें बेहद चौकस रहने के साथ ही उन महामृत्युओं से निपटने के पुख्ता इंतजाम करने बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि विभाग इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार पूरी तरीके से विभाग तैयार है। इसके लिए हम सबसे पहले तो जन जागरण अभियान मेन है, तो उस आशाओं के माध्यम से हम पूरे क्षेत्र को जागरूक भी कर रहे हैं। आशाएं घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे, साथ में सोशल डिडक्शन भी करेंगे। इसके अलावा फिर जो भी पॉजिटिव केस आता है उसकी रैपिड जांच अगर फील्ड में होती है तो उसकी एलाइजा जांच के लिए हमने रुड़की और मेला अस्पताल हरिद्वार 2 जगह चिन्हित की गई है, तो दोनों जगह उनकी जांच की जाएगी। तो हम लोगों ने जन जागरूकता भी चला रखा, और हर संडे को पिछले साल की तरह हम लोग एक ड्राइव चलाएंगे कि हर जो भी टायर कोई दुकान है कुछ भी है, हम लोग उनको साफ सफाई का एक ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएंगे कैसे बचना है। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास हल्द्वानी में जिलाधिकारी नैनीताल के द्वारा 2 PCS के स्थानांतरण कर दिए गए हैं।
जिसमें हल्द्वानी में उपजिला अधिकारी के पद पर मनीष कुमार और लालकुआ में विवेक राय एसडीएम के पद पर स्थानांतरित किए गए हैं। हल्द्वानी में चार्ज संभालते ही उपजिलाधिकारी ने बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता कोविड की दूसरी लहर को कंट्रोल और तीसरी लहर को नियंत्रण करने के लिए होगी। इसके लिए मेरी पहली प्राथमिकता है कि लोगों के प्रॉपर तरीके से लोगों की सैंपलिंग की जाए। इस समय तो सभी की पहली प्राथमिकता कोविड है, और जैसा कि सेकेंड वेव हुआ है, सेकेंड वेव की रफ्तार जिसको कहते हैं वो कम हुआ है, थर्ड वेव की जो है अब बात की जा रही है कि थर्ड वेव जो कोविड का आएगा वो कैसा होगा, उसका क्या असर होगा। तो पहली प्राथमिकता ये होगी कि थर्ड वेव में सेकेंड वेव के अनुभव से सीखते हुए थर्ड वेव में हम तैयारी को अपने कैसे पुख्ता करें, कैसे अच्छी तैयारी करें। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने जनपद के सभी खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा, NRLM, प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण स्तर के विकास कार्यों को लेकर कतई लापरवाही न बरती जाए। ग्रामीण क्षेत्रों को वापस लौटे प्रवासियों को भी लाइवलीहुड कार्यक्रमों से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। मनरेगा पे हम लोगों ने फोकस किया था, तो मनरेगा के संबंध में इसमें डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ हमारी जो NRLM स्कीम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, और प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके संबंध में भी इसमें चर्चा की गई है। और BDOs को इसमें निर्देशित किया गया है कि मैंडेट जनरेशन में वृद्धि करें, क्योंकि उसके इसमें ये भी है कि जितने लोग हमारे प्रवासी लोग बाहर से आए हैं तो उनको भी आजीविका से मनरेगा के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ मनरेगा के अंतर्गत जो हम लोग एरोमेटिक और मेडिसिन प्लांट्स का और आजीविका सृजन वाले कार्यों को जो रख रहे हैं उसके बारे में भी हरिद्वार के विभिन्न ट्रेवल एंड टूरिज्म से जुड़ी संस्थाओं एवं होटल एसोसिएशन हरिद्वार द्वारा बाजार और चारधाम यात्रा खोले जाने की मांग को लेकर एक पैदल मार्च हरिद्वार से मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए आज रवाना हुआ। संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग ने सरकार को चार धाम यात्रा खोलने एवं उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए RT-PCR की बाध्यता को समाप्त करने के लिए हरिद्वार के शिव मूर्ति चौक से संतों का आशीर्वाद लेने के उपरांत मुख्यमंत्री आवास देहरादून के लिए कूच किया। इस मौके पर व्यवसायिक संजय शर्मा द्वारा महात्मा गांधी का भेष धारण करके पैदल भी निकल पड़े। सरकार से सिर्फ इतनी सी मांग है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है चारधाम यात्रा है। हम सरकार से निवेदन करने के लिए देहरादून जा रहे हैं कि उत्तराखंड के न सिर्फ व्यापारी बल्कि मंदिर मठ भी, उनका खर्चा भी जो चलता है वो तीर्थयात्रियों के आने से ही चलता है, उनका संचालन भी उससे ही होता है। ऐसे में चारधाम यात्रा को शुरू किया जाना बहुत आवश्यक है, अन्यथा यहाँ का व्यापारी पूरी तरीके से टूट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।